आज हम रेसिपी सिंगाड़े का सीरा बनाने जा रहे हैं। एक चम्मच में घी लेते हैं, एक पूरे कटोरे से कम मैंने सिंगाड़े का आटा लिया है। इसे धीरे धीरे मैं पैन में डालती हूँ और बहुत ही धीमी आंच में इसे हमें सेकना है। इसके लिए फास्ट आप करना एकदम ज़रूरी नहीं, लम्स नहीं रखे। धीरे धीरे घी डालूँगी। पहले के ज़माने में इसे हर पूजा में यूज़ किया जाता था। जैसे हम आटे का कड़ा प्रसाद बनाते हैं, उसी तरह से एकादशी का यह कड़ा प्रसाद है। इसे हमें इस तरह से धीमी आंच में सेकना है। कलर डार्क तो नहीं हो, खाली इसकी जो भुनाई अच्छी होनी चाहिए। इस तरह से देखिए, ये इजी हो जाता है मिक्स करने में और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। कढ़ाई में सब छुड़ा के बीच में करते हैं। इस वक्त हमें इसमें गरम पानी डालना है। अगर एक कटोरी जरा आप दूर होके डालिए तो ये काफ़ी उड़ता है। देखिए इसका कलर, इसमें गरम पानी डालेंगे तो इसका जो फर्मेंट जैसा ये उठता है। जाली देखिए, आप देख रहे हैं इसकी जाली, ये अच्छी बनेगी। एक कटोरी में डेढ़ कटोरी से पौने दो कटोरी तक पानी आप डाल दीजिए। जैसे ही यह पानी गाढ़ा हो जाएगा, शक्कर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगती है, क्योंकि ये सिंगाड़े का आटा थोड़ा मीठा रहता है। इसके लिए आप अपने टेस्ट से, एक कटोरी में 1/4 कटोरी शक्कर बहुत हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते तो थोड़ा ज़्यादा डालिए। देखिए इसे हमें धीरे धीरे इस तरह से शुगर को मेल्ट होने देना है और 5 मिनट के लिए इसे इस तरह से आप छोड़ दीजिए, अंदर अंदर पक जाएगा। आप इसी तरह बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट बनेगा। देखिए ये कैसा रू जैसा, ये इस तरह से गिरना चाहिए और पीछे भी हम जब इसको उठाते हैं तो ये हमारे चम्मच से नीचे गिरना चाहिए। इलायची पाउडर, मोटे मोटे ड्राई फ्रूट्स, काजू और बादाम को इसी तरह से हम डालते हैं और इसे मिक्स कर लें। इस सीरे को आप फ्रिज में रखकर 8 दिन तक खाएंगे, कुछ नहीं होगा। और ये इतना सॉफ्ट रहता है कि बूढ़े लोग भी खुशी से खाते हैं। इसे अब मैं निकाल रही हूँ। पिस्ता और बादाम से गार्निश करते हैं। इस तरह से आप धीमे दबा दीजिए। यह हमारा शीरा बनके तैयार है, ओल्ड टाइम फेवरेट। ये सिंगाड़े का आटे का सीरा बनके तैयार है।